हाय गाइस, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो अंडर ₹50,000 कुछ बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्हीं लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इश्यूज हैं, कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, मैं एक एक स्पेक के बारे में आपको बताऊँगा कि क्यों अच्छा है क्यों नहीं अच्छा है। तो जुड़े रहिए इसी वीडियो पर। तो जल्दी शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 421 गैजेट्स। यहां पर हम बात करते हैं लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और उनसे जुड़ी सभी एक्सेसरीज के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो इससे पहले मैं आपको सीधा लैपटॉप दिखाना शुरू करूं, आप समझिए कि अंडर 50,000 में कौन से स्पेक्स आपको मिलते हैं। प्रोसेसर पे चलते हैं, आपको मिनिमम i5 10th जेन मिलना चाहिए और 11th जेन प्रेफरेबली। आपको Ryzen 5 मिलना चाहिए 3rd जेन और Ryzen 5 4th जेन प्रेफरेबली। 8GB की DDR4 RAM इज अ मस्ट। 256GB की NVMe SSD होनी चाहिए, बट अगर नॉर्मल SSD मिल रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए लैपटॉप की, क्योंकि आप उससे थोड़ा सा हैवी टास्क करने वाले हो। एंड कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप इग्नोर कर दोगे, तो वो मैं आपको लैपटॉप के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि कोई कैमरा में इशू तो नहीं है, कोई डिस्प्ले में इशू तो नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ, जो कि होने वाला है Lenovo का थिंकपैड E495। तो ऑल्दो इसका प्राइस 44,000 का है, बट ये 50,000 में मिलने वाला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है। तो पहले इशू पर चलते हैं। प्रोसेसर Ryzen 5 का प्रोसेसर मिल रहा है 3500U। इस प्राइस रेंज में मिलने वाले सारे प्रोसेसर ऐसे ही होते हैं, आगे आप वीडियो में समझ भी जाओगे, तो मतलब आप प्रोसेसर में इसको टिक मार्क कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, 8GB की रैम परफेक्ट, 512GB की SSD ये भी परफेक्ट है। एंड इसमें आपको DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इशू नंबर वन, DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज नहीं है इसमें। ऑल्दो विंडोज डालना बहुत टफ भी नहीं होता, आप मार्केट से डलवा भी सकते हैं ₹1,000 में या ₹500 में, आपको कोई भी डाल देगा। बट बेस्ट बात है इसका प्राइस, 44,000 में आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर, एपिक रैम के साथ, Lenovo जैसा ब्रांड, बहुत ही अच्छा ऑफर है। बट बहुत सारी वीडियोस में या फिर आप खुद जब इसको लेने जाएंगे ना, एक इशू आप जरूर मिस कर देंगे, वो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। इसमें आपको फुल HD नहीं, सिर्फ HD डिस्प्ले मिलेगा, बट उसके अलावा इस लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं है। एंड मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी इस लैपटॉप को लेने के लिए, अगर आप थोड़ा पावर हंग्री लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। तो पढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे लैपटॉप की तरफ, जो कि होने वाला है फैन फेवरेट मी नोटबुक 14। देखिए, अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में वैसे ही सब कुछ पता है, बट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाओगे या फिर इग्नोर कर दोगे लैपटॉप को जब आप पहली बार देखोगे, तो हम उसके बारे में इसमें डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइस के साथ, 49,999, यानी कि एग्जैक्टली 50,000 का ये लैपटॉप है। एंड इसमें मिल रहा है आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर 10th जेन। ओके, 10th जेन प्रोसेसर 50,000 पे, मुझे लगता था शायद 11th जेन दे देना चाहिए था, बट ठीक है, इतना कुछ बुरा भी नहीं है, 10th जेन एक साल पुराना है, परफेक्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 14 इंच का फुल HD स्क्रीन, NVIDIA का MX250 का, 2GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड, 8GB की रैम, 512GB की SSD। अब आपको सुनने में लगेगा कि बहुत मस्त है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, सब कुछ तो टॉप नॉच है, बट है इशू। एंड जो इशू होते हैं वो कंपनी लिखती नहीं है। इशू नंबर वन, कैमरा। इसमें आपको इनबिल्ट कैमरा नहीं मिलेगा, दैट इज अ फ्लॉ। इसमें आपको एक्सटर्नल कैमरा मिल रहा है, फ्री है, बट लेट सपोज आपको कहीं मीटिंग पे जाना है, आपको एक अलग से कैमरा लेके कैरी करना पड़ेगा। सोचो, लैपटॉप भी लेके जा रहे हो, चार्जर भी लेके जा रहे हो, और अब आप कैमरा भी लेके जा रहे हो अलग से, तो उतना कन्वीनियंट नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है इसका रैम, 8GB की रैम सोल्डर्ड है, यानी कि मदरबोर्ड में फिक्स्ड है, ना ही आप उसको निकाल सकते हो, ना ही आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, सिर्फ 8GB रहेगा लाइफ लॉन्ग। या तो आपको अगर बढ़वानी है तो आप नया लैपटॉप लो उसकी बजाय। तो यहाँ थोड़ा सा इशू है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ नहीं है ये लैपटॉप, बट इसका एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि लैपटॉप बहुत ही पतला है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि हीट भी होता है फिर उसी वजह से, तो मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो मतलब मुझे ओके लगता है लैपटॉप, एंड ये मेड इन चाइना भी है, तो फिर बाकी आप समझ ही गए हो। तो पढ़ते हैं आज के तीसरे लैपटॉप की तरफ, जो कि है Asus का Vivobook 14। गाइज, एक और चीज़, अगर आपका बजट 45,000 का है या फिर 60,000 का है, तो मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बना रखी है, आप उसको जाके चेक करें। एंड इस वीडियो में मैं केवल अंडर ₹50,000 वाले ही बताऊंगा,
ठीक है। तो बढ़ते हमारे लैपटॉप की तरफ जो कि Asus का Vivobook 14। तो इसमें आपको सेम उसकी तरह इंटेल का i5 का 10 जेन का प्रोसेसर मिलेगा, 8GB की रैम, 4GB की दो स्लॉट है इसमें। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, 4GB की दो, ओके ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं 4GB की दो स्लॉट बेटर परफॉर्म करती हैं 8GB के एक स्लॉट से, बट यहां पर एक इशू है, एक 4GB का स्लॉट सोल्डर्ड है यानी कि मदरबोर्ड में अटैच्ड है एंड एक 4GB का आप निकाल सकते हो। तो इसमें मैक्स आप 12GB तक ही ऐड कर सकते हो क्योंकि अगले स्लॉट में 4GB निकाल के आप 8GB ही डाल पाओगे, तो आप कभी भी इसमें 16GB नहीं डाल पाओगे क्योंकि दोनों नहीं निकलते, सिर्फ एक निकलता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है ठीक है। साथ में आपको मिलेगी 1TB की HDD एंड 256GB की NVMe SSD। गाइस नोट, SSD से ज्यादा तेज होती है NVMe SSD, ठीक है। एंड अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता तो ऊपर आई बटन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेक करें, उसमें मैंने बताया हाउ कम NVMe SSD इज फास्टर देन SSD एंड SSD बहुत ज्यादा फास्ट है आपके HDD से। बाकी बात रही इस लैपटॉप की, तो बहुत अच्छा कॉम्बो है, NVMe SSD प्लस आपकी HDD दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगी एंड इसको आप गेम भी खेल पाओगे क्योंकि गेम का साइज ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है। साथ में है 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, बेजल लेस नैनो एच बेजल्स बोलते हैं वो इसको, कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है। अगला इशू कैमरा HD नहीं है, 50,000 के लैपटॉप में एक HD कैमरा नहीं आ रहा है, सोचो यार फोन में आते हैं HD कैमरा 6,000 में, इसमें HD कैमरा नहीं VGA कैमरा मिलता है यानी कि आप उससे रिकॉर्ड कर पाओगे 420p तक ही वीडियोस, या फिर जब आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो 420p तक ही आप वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, तो मतलब वीडियो कॉलिंग में उतना नेसेसरी होता भी नहीं है, बट अब आपकी कॉल है अपने। एंड साथ ही में आपको मिलेगा विंडोज 10 होम एंड ओवरऑल ये एक अच्छा लैपटॉप है, बट इससे अच्छा लैपटॉप भी है मेरे पास एंड वो लैपटॉप है फिर से हमारा थिंकपैड लेनोवो का E14। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके स्पेक्स की तरफ। तो गाइस नंबर वन चीज प्राइस 50,000 डॉट, हो सकता है आपको ऑफर मिल जाए बट ऑन एवरेज का प्राइस 50,000 ही है। तो ये आएगा आपका Ryzen 5 के प्रोसेसर के साथ 4th gen, जो मैंने आपको अभी तक जितने भी लैपटॉप दिखाए हैं ना, या तो वो इंटेल के हैं, और जो शुरू में लैपटॉप दिखाया था Ryzen 5 वाला वो 3rd gen था, ये 4th gen है यानी कि एक जनरेशन तेज, बहुत स्पीड में डिफरेंस है। ऐसा मत सोचना कि बस एक ही जनरेशन का तो अंतर है, इंटेल की तरह हर साल इसकी जनरेशन नहीं आती है, तो मतलब अच्छा है लैपटॉप। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 720p का HD कैमरा है, यहाँ पर भी आप सेव्ड हो, 2x2W के हरमन के स्पीकर्स हैं, 8GB की रैम है, 256GB की SSD है, 13 घंटे का बैटरी लाइफ है, ऑलमोस्ट रैपिड चार्ज मिल रहा है आपको 80% इन 1 आवर विच इज लिटरली ऑसम। विंडोज 10 होम है, ओवरऑल परफेक्ट लैपटॉप है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है इसमें। अब फिर आप क्वेश्चन पूछोगे कि अगर कोई इशू नहीं है तो मतलब ये प्रेफरेंस नंबर वन नहीं होना चाहिए, तो गाइज हाँ ये मेरी प्रेफरेंस नंबर वन है। और अगर आप थोड़ा सा बजट में कंस्ट्रेंड है तो जो मैंने पहला लैपटॉप बताया था ना लेनोवो का थिंकपैड E495, वो भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, बस उसके जो इश्यूज हैं उसको इस लैपटॉप ने अपडेट कर दिया है एंड इश्यूज उसके जो थे वो सारे के सारे इसमें रिजॉल्व हो चुके हैं, तो ये एक परफेक्ट लैपटॉप है अंडर ₹50,000, मतलब अनडाउटेडली अनबीटेबली इससे अच्छा लैपटॉप मार्केट में नहीं है। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी तड़कती भड़कती लैपटॉप वीडियोज हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।